दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आईएनटी हिंदी टेक में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट में आप लोड मनी कैसे कर सकेंगे, कैसे अपना अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकेंगे। साथ ही साथ हम आपको थोड़ा सा जानकारी मनी ट्रांसफ़र के बारे में भी बता देंगे कि फिनकेयर स्मॉल बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकेंगे। इस पर बहुत सारे कॉमेंट हमें आ रहे थे कि क्या डेबिट कार्ड से इसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो साफ तौर पर मैं बता दूं कि इसमें आप डेबिट कार्ड से डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस बैंक में डेबिट कार्ड से डिपॉजिट करने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आपके नियरेस्ट कोई भी ब्रांच है तो वहां पर जाके आप यहां से कैश जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ चेक के माध्यम से भी आप इसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं UPI फीचर्स के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिलहाल जो है इस बैंक अकाउंट को आप UPI से लिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि UPI अनअवेलेबल है, UPI इसमें अवेलेबल नहीं है। अब बात करें यहां पर UPI से क्या इसमें लोड मनी हो सकता है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जब UPI अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी UPI एप्लीकेशन से UPI के थ्रू इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। दैट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं अभी फोनपे एप्लीकेशन में जाकर, और वहां पर मैं आपको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है फ़ोनपे एप्लीकेशन, जहां पर UPI से आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, लेकिन उसमें UPI इनेबल होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको टू अकाउंट पर क्लिक करके अभी दिखा देता हूं। टू अकाउंट पर क्लिक करते हैं, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं, और यहां पर IFSC अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर हम एंटर करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक करती हैं। उसके बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इस बैंक अकाउंट पर UPI इनेबल नहीं है, इसलिए आप जो है इसे मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने IFSC कोड एंटर कर दिया है, यहाँ पर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा गया है, उसके बाद अकाउंट नंबर हमने सारा डिटेल यहाँ पर एंटर कर दिया, उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भीम UPI नेटवर्क इसमें इनेबल नहीं है, आप मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर UPI से मनी ट्रांसफ़र इस बैंक में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार के आपको एरर मिल जाएंगे जहाँ से आप UPI से भी इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यानी कि डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर आप मनी ट्रांसफर इसमें कैसे कर सकते हैं, डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन से। दोस्तों आपको करना होगा RTGS, NEFT या IMPS, इस माध्यम से आपको मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। अगर आप यहां पर कैश डिपॉजिट नहीं करते हैं कैश, या फिर आप चेकबुक से डिपॉजिट नहीं करते हैं, अगर ऑनलाइन ही इसमें मनी डालना चाहते हैं तो आपको IMPS, NEFT और RTGS का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आप सभी को पता होगा कि RBI के नियम के अनुसार RTGS और NEFT पर कोई भी चार्ज अब नहीं लिया जाता है। तो चलिए मैं वो प्रोसेस आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपके सामने एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से हम आपको मनी ट्रांसफ़र अभी करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप NEFT या RTGS से मनी ट्रांसफ़र इसमें कर सकते हैं, साथ ही साथ IMPS का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सभी बैंकों के मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग में मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी मिल जाती है, तो आप सब ये जानते ही होंगे। तो आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके हम MPIN डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में देख सकते हैं फिनकेयर अकाउंट हमारा पहले से ही पेई के रूप में सेव है। आप चाहे तो यहाँ पर ऐड पेई के रूप में ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक यूज़र होंगे या फिर किसी भी बैंक का यूज़र होंगे तो वहाँ पर बेनिफिशियरी या फिर ऐड पेई का ऑप्शन आता होगा, तो ऐड पेई पर क्लिक करके अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल के ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने आपको अभी फ़ोनपे में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ₹1 ट्रांसफ़र किया था तो फाइनली हमारे बैंक अकाउंट में चले गए थे फिनकेयर अकाउंट में। तो चलिए फिर से हम पे के ऊपर क्लिक करते हैं। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर हम जो है इस बार ₹10 ट्रांसफर करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर नीचे में देख सकते हैं हमें तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेटर NEFT, IMPS और स्टैंडर्ड NEFT। अब दोस्तों इन तीनों में क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं। लेटर NEFT में आप अपने शेड्यूल के साथ मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, IMPS में आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ चार्ज लगते हैं ₹2.5 प्लस टैक्स करके। ठीक है,
यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ, हर बैंकों की रूल अलग होती है। अगर स्टैंडर्ड एनईएफटी आप करते हैं तो 2-3 घंटे बाद आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, इंस्टेंट में डिपॉजिट नहीं किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ आईएमपीएस को छोड़कर एनईएफटी लेटर या फिर स्टैंडर्ड करो, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टैंडर्ड एनईएफटी पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें एम पिन डालना है, तो चलिए डाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एम पिन डाला वैसे ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एनईएफटी से ट्रांसफ़र किया है तो इंस्टेंट में वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किए जाएंगे, बल्कि कुछ देर बाद 1-2 घंटे बाद होंगे। मैं आपको बता दूँ कि अगर हम आईएमपीएस करते तो यहाँ पर कुछ चार्ज लगता लेकिन इंस्टेंट में क्रेडिट हो जाता। तो यहाँ पर हमने 1 रुपये ऑलरेडी उसमें ट्रांसफ़र करके देख चुका था। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रांसफ़र करने का उपाय बताया कि किस तरह से आप उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर फिनकेयर बैंक अकाउंट से आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कैसे कर सकती हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से भी फंड ट्रांसफ़र कर सकती हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के मदद से भी फंड ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शंस आपको दिख रही है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नज़र आएंगे, जिसमें यहाँ पर एक ऐड पे की ऑप्शंस आती है। अब दोस्तों ऐड पे पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक इसलिए करना है कि जिसके अकाउंट में आप जिस अकाउंट में पैसा भेजना चाहती हैं उसे आपको पहले बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर फिनकेयर अकाउंट है तो फिनकेयर कर लीजिए, अगर किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो नॉन फिनकेयर अकाउंट क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सेविंग है या फिर करेंट है या फिर कैश क्रेडिट है। उसके बाद जो अकाउंट के ऊपर नेम होगा वो यहाँ पर डाल देना है, निकनेम आप कुछ भी डाल सकती हैं। उसके बाद आपको आईएफएससी कोड यहां पर डाल देनी है। उसके बाद यहां पर फंड ट्रांसफर की लिमिट आपको डाल देनी है, जितना आप ट्रांसफर करना चाहती हैं, यानी कि जितना आप इस अकाउंट पर ट्रांसफर करना चाहती हैं वो आपको यहां से लिमिट क्रिएट करना है। जैसे 10,000, अगर फ्यूचर में भी आप 10,000 ट्रांसफर करना चाहते हैं इस अकाउंट पर तो आप 10,000 कर सकते हैं या फिर 1,00,000 भी कर सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि यहां पर 10,000 आप लिख दीजिएगा तो आगे की जो फंड ट्रांसफर आप करेंगे तो वो सिर्फ 10,000 आप कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक लिमिट होती है। उसके बाद यहां पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा फिनकेयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी कि फिनकेयर बैंक अकाउंट में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फाइनली बेनिफिशियरी यहां पर ऐड हो जाएगा, लेकिन बेनिफिशियरी कंफर्म होने में आपको 1-2 घंटे अभी इसमें लग रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको फंड ट्रांसफर कैसे करना है। तो इतना प्रोसेस आपको कर लेना है। करने के बाद आपको फंड ट्रांसफर पर आना है और यहां पर न्यू फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फ्रॉम और टू की ऑप्शंस आएगी। फ्रॉम में आपको यहां पर अपना यहां पर फिनकेयर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टू में बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर अमाउंट एंटर कर देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकती हैं। यहां पर दो चीज आती है, ट्रांसफर नाउ और शेड्यूल की। आप शेड्यूल लगाना चाहते हैं तो उसी शेड्यूल पर ये ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप इंस्टेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफर नाउ पर क्लिक कर ले। तो चलिए फाइनली हम यहाँ सारा कुछ सेट कर लेते हैं और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस जो है नज़र आ जाएंगे जब यहाँ पर बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक आरटीजीएस और आईएमपीएस और एनईएफटी की ऑप्शंस आ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आरटीजीएस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2,00,000 से लेकर 10,00,000 के बीच में आपको ट्रांसफ़र करनी है आरटीजीएस से। तो चलिए यहाँ पर हम आईएमपीएस सेलेक्ट करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार कन्फर्मेशन पूछे जाएंगे तो हम यहाँ पर प्रोसीड कर देती हैं। प्रोसीड करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देती हैं। ध्यान रहे कि ओटीपी आपके फिनकेयर स्मॉल बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। तो चलिए हमने यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दिया। ओटीपी एंटर करने के बाद ये जो पेमेंट है वो फेल्ड हो चुका है। अब दोस्तों फेल क्यों हुआ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर रीज़न लिखा गया है कि ये जो बेनिफिशियरी आईएफएससी कोड है वो डिफाइंड नहीं कर पा रहा है।
तो मैं आपको बता दूं कि बेनिफिशियरी के रूप में जो है हमने यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया था। तो अभी इसमें पेमेंट बैंक में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर फिजिकली बैंक देते हैं कोई भी HDFC या फिर एक्सिस बैंक या फिर कोई भी फिजिकली बैंक देते हैं बैंक अकाउंट नंबर, तो फाइनली ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिलहाल इसमें जो है पेटीएम पेमेंट बैंक जैसे या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे पेमेंट बैंक में कुछ दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है फाइनली इसमें ट्रांसफ़र कर सकती हैं, फंड ट्रांसफ़र आप बिल्कुल आसानी से कर सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको पूरे डिटेल के साथ बता दिया कि आखिर इसमें आपको अमाउंट डिपॉजिट कैसे करना है, आप बैंक टू बैंक कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकती हैं। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।